Mr. Khurram Shahzad is here. Let's welcome him with a big round of applause. Khurram Bhai is one of the leading trainers of Pakistan has ever produced. Why do I say this? Because I work with him. He works with a leading company, the global lead, RKB. He is the only country representative here in Pakistan. Plus, he is the CEO of Ideas Training, which does leading corporate training for corporate. We do things like this. मैं पूछ पहले सलाम करूंगा। अस्सलामुअलैकुम। बॉयज जीत रहे हैं, गर्ल्स हार रही हैं। दोबारा करते हैं, अस्सलामुअलैकुम। अब बराबर हो गया, अभी तक कोई हार जीत नहीं है। एक दफा और, अब फैसला होगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अस्सलामुअलैकुम। वेरी गुड। और सिर्फ दो या तीन फीमेल की वजह से ये साइड जीत। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है, आपका क्या नाम है? मंजूर हुसैन। सबका नाम मंजूर हुसैन है, आप क्यों नहीं बता रहे? क्यों शर्मा रहे हो? अगर शर्माएंगे तो लीडर कैसे बनेंगे? हमदा फरीद। अभी ठहरे हमदा साहब, मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है आपका? नहीं अभी समझ नहीं आ रही, सब ऊंची आवाज में बताएं अपना अपना नाम। क्या नाम है आपका? वेरी गुड, सबका तारफ हो गया। अब मैं आप सबको जानता हूँ, आप कह सकते हैं कि जी ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने कहा नहीं कि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी किसका क्या नाम है, पता ही नहीं होगा ना। तो ये मेरा मसला है, आपका नहीं। हमें टाइम बचाना है। तो सबसे पहली चीज, आप सबका यहाँ पहुँचना इस बात की निशानदेही करता है कि आप जिंदगी में जो भी करना चाहेंगे हो सकता है। कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा यहाँ? 600+, 140 लोग आए। तो आपके लिए यहाँ आना छोटी चीज नहीं है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और तरीकेकार मैं बताता हूँ, मैं टाइमर लगाऊंगा और 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड तक आपने कंटिन्यूसली क्लैप करना है, ठीक है? क्योंकि हाथ थोड़े गर्म हो जाए ना, बोन फायर का कुछ फायदा हो। तो 10 सेकंड तक क्लैप करेंगे, कोशिश करें कि नंबर ऑफ क्लैप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है? समझ आ रही है? सिर्फ क्लैप करना है, सिंपल, और काउंट कर लीजिएगा और एंड में पूछते हैं आपसे, ठीक है? शुरू करें। 1, 2, 3। अच्छा, फीमेल साइड से पहले आप 44, 45, 44, 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 44
याद करें शायद किया हो। नहीं 49 50 54 से ज्यादा बॉयज की तरफ से 67 से ज्यादा कोई बॉयज की तरफ से 80 वाले आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ 80 वाले 80 इधर आए 50 कितना इधर आए इधर आए 75 आ जाए 72 नहीं नहीं 75 है 75 से ज्यादा कोई है 80 कौन है 80 कौन है आओ बैठो जाओ 80 इधर आए इधर आए इधर आए इधर क्या नाम है आपका जकीउल्लाह साहब मारता था और फीमेल साइड आप देखेंगे
ये क्लैप करेंगे, आपने इनके हाथों पे नजर रखनी है और काउंट करने आपने, ठीक है? 1, 2, 3 अब क्या हुआ? अच्छा हम अगर एवरेज निकाले तो 50 ऑन एवरेज 40 चले 40 मैक्सिमम आपने किया, ठीक है? थोड़ा सा चेंज करते हैं रूल को और आपको एक मौका और देते हैं, बिकॉज आज आप सेलिब्रेट करेंगे अपना यहाँ पे खैरियत से सक्सेसफुली आना। तो सेलिब्रेशन में तालियां कम होती है ज्यादा? क्या आप अपना 40 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो? दोबारा 10 सेकंड का चांस दिया जाए तो क्या सब बॉयज एंड गर्ल्स 40 से ऊपर जा सकते हैं? लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ 40 का टारगेट ब्रेक करना है, अगर आप 100 भी कर सकते हुए तो करोगे? प्रोमिस? यस, लेट्स डू इट। 1, 2, 3 बोलो झूठ। 100 भी हो गया, वेरी गुड, सेंचुरी हो गई। इन्होंने सच बोला या झूठ? एक चीज समझे सब चीज ध्यान से कि आपका टैलेंट 60 का था, आप 20 पे खड़े हुए थे, खुद खड़े हुए जानबूझ के आप पीछे रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कैजुअल एटीट्यूड से जिंदगी जीते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हर चीज में जो हम करते हैं हम उसमें आगे जाएं, अपने रिकॉर्ड ब्रेक करें, दूसरे से कम्पीट नहीं करना, अपने आप से अपनी आज की परफॉर्मेंस से कम्पीट कर रहे हैं। और उसके लिए क्या होगा कि खुद को खुद टारगेट दें और अपने टारगेट को एनालाइज भी किया करें। शुरू में भी आप सब ज्यादा क्लैप कर सकते थे, एक तो मैंने आपको इतना क्लैरिटी से बताया नहीं और दूसरा आपने भी नहीं सोचा आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जितना टैलेंट आपको खुदा ने दिया है आप उसका शायद 10% यूज कर रहे हैं, तो आपने आज के बाद जो भी काम करना है उसमें अपना 100% देना है, वो चाहे आज का इवेंट हो। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आए, अपने आप को यहाँ लाए, अपने आप को यहाँ से ले जाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ लेके आए, बहुत सारे लोगों को यहाँ शेयर करेंगे, यहाँ से वापस जाने का साथ देंगे, उनको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह, और जो अपोजिट करेंगे उनको कोई लीडर बना नहीं पाएगा, बिकॉज वो बनना नहीं चाह रहे ना। अगर आप बनना चाहते हैं तो ये किसका फैसला है? हमारा अपना फैसला है। याद रखिए हर मुश्किल के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट छुपा होता है। एक बादशाह अपनी सल्तनत का बादशाह कहता है कि मैं चेक करता हूँ मेरी सल्तनत में लोगों का आजकल क्या मेयार है लाइफ में बेहतरी पैदा करने का। तो वो क्या करता है, किसी मुलाजिम को कह के सड़क, जैसे अभी सड़क जहाँ से हम आए ना जीप पे आप ऊपर आए, इसी रोड पे वो बादशाह रहता था, ये उसकी सल्तनत थी सारी, आज वो नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ा बोल्डर, एक पत्थर रखवा दिया सेंटर में। तो सब ट्रैकिंग करके पैदल आ रहे थे ऊपर, तो सबने गुजरते हुए, और वो छुप के बैठ गया झाड़ी के पीछे, कहता मैं देखता हूँ मेरे लोग क्या करते हैं, मेरी लियाया क्या करती है। दो तीन लोग आए उसकी काबीना में से, उसके जो वजीर मुशीर होते हैं, उन्होंने कहा ओ माई गॉड, बादशाह सोया हुआ महल में, उसको पता ही नहीं रोड ब्लॉक हो गई है, कैसा टाइम चल रहा है इस मुल्क में। और पास से गुजरे, उसको देखते हुए चले गए। दो लोग और आए, उन्होंने भी कहा अजीब माहौल हो गया है, बादशाह को परवाह ही नहीं, लियाया जो है परेशान हो रही है। इतने में
मजदूरी करने वाला शख्स कमर पे बोरी रख के चलता हुआ आ रहा था, उसने देखा रास्ते में पत्थर है, कहता है ओ माय गॉड ये तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। उसने अपनी बोरी साइड पे रखी, पूरा जोर लगा के उस पत्थर को हटाया और हटा के साइड पे करके जब मुड़ने लगा, कहते ये क्या पड़ा हुआ है, उस पत्थर के नीचे एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। पोटली समझते हैं क्या कहते हैं उसको, थैली। उसने खोल के देखा उसमें अशरफियां थी। बादशाह ने इनाम रखा था जो ये स्टेप लेगा उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम नहीं स्टेप लेते आपका रिवॉर्ड है यहाँ आने का। क्या रिवॉर्ड है? लर्निंग, नेटवर्किंग, डेवलपमेंट, विजन का ब्रॉड होना, एक्सपोजर मिलना, ये आपकी आपका रिवॉर्ड है। लेकिन जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका रिवॉर्ड सोचे, आपका ज्यादा ही है उनका। आप भी ले सकते हैं, आप अपने लेवल पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके, इसी इवेंट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके आप भी ज्यादा रिवॉर्ड ले सकते हैं। रिवॉर्ड की जो बात कर रहे हैं, 50,000 rupees अनाउंस हुआ एक रिवॉर्ड, किसने किया था सबसे पहले? डिस्कवर पाकिस्तान ने। फिर 50,000 rupees मैंने ऐड कर दिया, फिर 50,000 rupees हमारे जो भावलपुर से भाई आए एनिग्मेटिक्स वाले, उन्होंने अनाउंस, तो 1.5 lakh rupees कैश प्राइज भी ऑन ऑफरिंग है। अच्छा, वो जिस पे नहीं, ठीक है, एक्चुअल रिवॉर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स भी है उनमें। जैसे कल आप जो एक्सरसाइज कराएंगे उनमें लीडर्स सिलेक्ट करेंगे, टीम्स होंगी, तो हम टीम लीडर्स को देते हैं, देन दे डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड, प्लान करते हैं। एक चीज, क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही थी, हम समझते हैं कि लीडरशिप जो है जो वो सिर्फ निचले तबके का काम है। निचले से मुराद, फॉर एग्जाम्पल, ये लकड़ी काट रहे हैं तो मैं भी काट सकता था, ये लकड़ी कट रही है किसी बॉय ने नहीं कहा कि नहीं कट रही तो मैं काट लेता हूँ। तो हम अक्सर काम छोटे मोटे छोड़ देते हैं। इंग्लैंड में रियल वाकया, रियल स्टोरी, इंग्लैंड में एक दफा एक रास्ता ब्लॉक हो गया, वहां के फौजी वौजी सब लोग खड़े हुए, सब गाड़ियां ब्लॉक हो गई, तो 3-4 फौजी डंडा लेके खड़े हुए, मूव दिस स्क्वाड, मूव दिस प्लेन, मूव दिस ट्री, मूव दिस ट्री, नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड। 3 लोग गए और उस लॉक को जो दरख्त गिरा था जहां रोड के ऊपर, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे वो हट नहीं रही थी क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं थी। नीड अ फोर्थ पर्सन। फोर्थ पर्सन कौन था? उनका कमांडिंग ऑफिसर, द कमांडर विद अ स्टिक, ही वाज स्टैंडिंग दूर कोरम साहब की जगह पे और सेइंग, दिशान साहब ये लकड़ी हटाएं, ये लकड़ी हटाएं, हम 3 लोग लगे, वो लकड़ी नहीं हट रही थी। बंदा वहां से गुजरा, उसने जब ये सारा काम देखा, उसने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूं। वो बंदा गया, जब वो 4 बंदे मिले तो दे वर एबल टू पुश एंड एग्जर्ट अ फोर्स दैट मूव द लॉग फ्रॉम द रोड और सारी जगह खुल गई। दैट कमांडिंग ऑफिसर केम टू दैट पर्सन एंड सेड थैंक यू फॉर योर वर्क, वी अप्रिशिएट दैट, हु आर यू, आप कौन है? उस शख्स ने कहा Thank you for giving the command and not doing the work. My name is Winston Churchill. I am the Prime Minister or the President of the United Kingdom. And I am not giving orders. I do myself. So leader काम किसी को देता नहीं है, खुद करता है। क्या आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं? पढ़ी नहीं अभी पाल। कुछ बॉयज भी हुए उनको उर्दू में बता दें, इंग्लिश में। स्टैंड अप, स्टैंड अप। और जब मैं आपसे कहूंगा बैठ जाएं तो आप बैठ जाइएगा, सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है? लेकिन जब मैं कहूंगा प्लीज सिट डाउन, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। अच्छा, एक चीज नोट किया आपने, बैठने के सारे प्रोसेस में कुछ नोट किया? हम चाहते हैं कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को तेज करें। ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है तो लीडरशिप के बहुत सारे पहलू आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। कोई बताना चाहेगा कि अभी जो एक्सरसाइज हमने की, आप खड़े हुए, मैंने कहा बैठ जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्वेश्चन नहीं
क्यों? नहीं क्वेश्चन नहीं, इस प्रोसेस जी कह रहे सिटिंग स्टाइल चेंज हो गया हमारा, सिटिंग स्टाइल चेंज हो गया, खड़े होने में टाइम लगा, बैग जल्दी गए, खड़े होने में टाइम लगा, बैग सर आप एक नहीं, ये कह रही है जो इंस्ट्रक्शन दी हमने मान ली, वेरी गुड, सबकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ इस एक्टिविटी से वो बहुत दूर अंदेश चीज है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप उसका क्रक्स सही मानों में सीख ले, समझ ले और अप्लाई कर ले। आपने एक चीज नोट नहीं की, पहला शख्स जो बैठा मेरे कहने के बाद और आखिरी शख्स जो बैठा उसमें तकरीबन 9 सेकंड का टाइम लगा। कमांड क्या थी? सिट डाउन। अगर एक शख्स 1 सेकंड में बैठ सकता है तो आखिरी शख्स को 9 सेकंड क्यों लगे बैठने में? कंफ्यूज था वो सोचने में, वो सबको देख रहा था, इस डिसीजन को इसकी सिवेरिटी को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, सबको देख के बैठ। क्या हम दोबारा खड़े हो सकते हैं सब? यस। और अब हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हम सारे विद इन 1 सेकंड बैठ जाएंगे, जब मैं कहूंगा सिट डाउन तो आप बैठ जाएंगे, और पहला शख्स जो भी बैठेगा और आखिरी शख्स उसमें 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पॉसिबल है? यस। डिसाइड करें पॉसिबल है कि नहीं। यस। सिट डाउन। वेरी गुड, इट इज ऑल सिंपल, इट इज आप अपनी लाइफ के हर काम में यही करते हैं, मिलने जाना है चला जाऊंगा हो जाएगा, शादी ब्याह में क्यों दुल्हन लेट आती है, क्यों दुल्हा कहता है मैं तो दुल्हा हूँ मैं क्यों जाऊं, मैं तो टीचर हूँ मैं क्यों, मैं तो सीनियर हूँ मैं क्यों फटाफट बैठूं। आप अगर अपनी लाइफ पर डिसिप्लिन कर लेंगे कि जिस चीज के लिए जितना टाइम जितनी एनर्जी जितनी चीजें चाहिए उतने में ही करें, तो आप देखें रिजल्ट कितना डिफरेंट होगा आपकी लाइफ में, आपकी हर एक्टिविटी का। तो ये क्या है? अगेन कैजुअल एटीट्यूड, बैठना ही तो है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये एटीट्यूड की बीमारियां हम अपनी ठीक कर लें तो उससे लाइफ बेहतर हो सकती है? वॉइस yes. एक एग्जाम हो रहा था स्कूल में और सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, सब तैयारी करके आए हैं कि आज हमने एटलीस्ट पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। उसमें 5 सवाल थे, जो सबसे लायक तरीन बच्चा था उसने जब पहला सवाल देखा उसने कहा वेल डन, मसले को नहीं मैं कर लूंगा, दूसरा वेरी इजी, तीसरा नो प्रॉब्लम, चौथा परफेक्ट, पांचवा और वो एकदम ही वाज शॉक्ड। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर हाउस कीपिंग स्टाफ, जो आपकी क्लासरूम की सफाई करती है मेड, उसका नाम क्या है? क्लास के किसी बच्चे को भी नहीं पता था। सब्जेक्ट की तैयारी कर ली हमने लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो साफ सुथरा क्लासरूम हमें मिलता है डेली वो कौन साफ करता है हमारे लिए। अगर हमें उसका नाम पता हो दिन में एक दफा जाके उसको हम कह दें कि थैंक यू सो मच। आज ये जितना भी इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं पार्टिसिपेंट में से किसी ने जाके कहा वेल डन बहुत अच्छा है, तो ये सारी बातें किससे रिलेट करती हैं? एटीट्यूड से। दुनिया में जितने लोग भी आगे गए हैं अपनी करियर में लाइफ में वो अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाने की वजह से गए। आप अगर चाहते हैं कि आप जाने जाएं एक सच्चे इंसान के तौर पर तो क्या करना पड़ेगा? अपने एटीट्यूड में सच ऐड करना पड़ेगा। अभी अपना करियर शुरू करेंगे आगे चल के तो सबसे पहली चीज मैं आपको कहता हूं अपने नाम को ओन करना सीखें। अपने नाम को कैसे ओन करते हैं इससे क्या मतलब है मेरा? आप सब में से सबसे खूबसूरत नाम किसका है? मेरा नहीं, नाम बताएं। मेरा क्या नाम है? हमजा। उस्मान, हमजा और मरियम, बुशरा, इकरा, रूबा, अरूबा। इसमें प्रॉब्लम क्या? आप अपना पूरा नाम क्यों नहीं बता रहे? शुरू में भी मैंने पूछा आपका नाम क्या है, सबने अपना फर्स्ट नेम बताया, सेकंड नेम क्यों नहीं बताते, मिडिल नेम क्यों नहीं बताते? आप सही मानों में अपने नाम को ओन नहीं करते। अगर आप ओन करते हैं तो आपके फेसबुक पे आपका नाम लिखा हो
मानो बिल्ली ना लिखा हो। वाइल्ड डेंजरस जो भी बॉयज क्या लिखते हो आप? एंजल एंजल साहब देखो भाई फोटो बनाओ यार। सो एंजल्स को दिखाएंगे हम जाते दुनिया में भी हमारे पास एंजल्स है। देखे पापा लौट लो। अपने नाम को ओन करने का मतलब है जहाँ पा तो पूरा नाम बताएं, पूरा नाम लिखे, पूरा नाम रजिस्टर करवाए हर जगह। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज आपको अभी इम्पोर्टेंस नहीं पता इसकी, 5 साल बाद लगेगी जब आप कुछ बन जाएंगे, बनने लगेंगे और आप जाओगे अपनी वेबसाइट खरीदने, वो कहेगा नहीं ऑलरेडी टेकन। जैसे जीमेल का अकाउंट आज आपको शायद ना मिले मरियम नाम का, मिल गया, वो आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। भाई उनसे पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का क्या नाम है? बिल गेट्स। बिल किसी ने नहीं कहा। एप्पल का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। जॉब्स स्टीव किसी ने नहीं कहा, स्टीव और बिल, राइट। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन जो जो। तो हम क्यों ओन नहीं करते? हमने जो चीजें टाइम लगा के दी थी आपके पास मौका है शुरू से सही कर लें। जो सफर हमने 20 सालों में तय किया है आप यकीन माने 2 साल में वो तय कर सकते हैं अगर आप ये बेसिक सही कर लें। जो दिमाग का ऑपरेशन करते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन को आम सर्जन से ज्यादा पैसे क्यों दिए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नहीं, स्पेशलाइज्ड है, उसकी स्पेशलाइजेशन है उसमें। आप जो भी करते हो क्या आप उसमें स्पेशलाइज हैं? यस। अगर आप उसमें स्पेशलाइज होंगे तो आप अपने काम के क्या बन जाएंगे? एक्सपर्ट। न्यूरोसर्जन आपकी ओपिनियन लेने के लिए लोग आपको पैसे देंगे। अच्छा टैक्स कंसल्टेंट को कॉल आती है, सर ये बता दे मैं क्या करूं, पैसे एडवांस दे दिए आपको, ऐसा होता है? Yes. तो आपके पास चॉइस क्या है, 5 सालों में बन जाए या 50 सालों में बन जाए? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो डिसीजन इज योर्स। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी कि कैसे बने क्या करें, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। एक बहुत मशहूर कोट है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। आप अभी रेडीनेस शो करें कुछ भी करने की, लर्न करने की, सीखने की, आपके लिए वो सारे मामलात कायनात आसान कर देगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बाय प्रोफेशन, सारी फाइनेंस की डिग्रीज है, बट मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सीईओ था, टेक्सटाइल कंपनी का डायरेक्टर हूं, फार्मा कंपनी की स्ट्रेटजी बना रहा हूं, फार्मा कंपनी की स्ट्रेटजी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की लिस्टिंग करा रहा हूं, लॉजिस्टिक्स कंपनी को चेयरमैन एज ए हेड करता हूं, मिलियंस माइल्स करता हूं। क्यों? मैंने डिसाइड किया मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करूंगा। आज हम इनको एक नाम देते हैं इनके इंट्रोडक्शन की बुनियाद पे, अभी जो इन्होंने चीजें गिनवाई उसकी बुनियाद पे आप इनको क्या नाम देंगे? जिससे 360 नहीं 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 ज्यादा हो गया, हाथ हल्का रखे जी। लेडीज की तरफ से फीमेल से मल्टीटास्किंग बहुत छोटी चीज है, और कोई चीज ऑलराउंडर लीडर सब सब सही है, 360 भी सही है, ऑलराउंडर भी लीडर भी। लेकिन आपको एक नई चीज आपके नॉलेज में लाने के लिए हम शेयर करते हैं। एक इंडियन ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी कुछ साल पहले, उसका नाम है पॉलीमैथ। होमो सेपियंस होते हैं क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लो, हजूम आम लोग जो पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं बच्चों की शादियां करके, होमो सेपियंस उनको कहते हैं। उनमें जो एक सुपीरियर ब्रीड होती है, सुपीरियर ब्रीड जो ये नहीं कहते कि मैं अकाउंटेंट हूं तो अकाउंटेंट ही मरूंगा, मैं अगर मार्केटिंग पर्सन हूं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और मैं तो मार्केटिंग अब मेरा 10 साल तजर्बा है तो मैं तो जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं होते, जो पॉलीमैथ होते हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल मैन। यूनिवर्सल मैन कौन होते हैं? जिनको आज आप कहें कि जहाज उड़ाना है वो कहेंगे 2 घंटे दे दे उड़ा दूंगा, और अगर उनको कहें ये ट्रक वेंचर करना है वो कहेंगे कोई इशू नहीं, एक हफ्ते में प्लान हो जाएगा।
अगर के टेक्सटाइल मिल चलानी है, अगर के फोन डिजाइन करना है, कुछ भी टास्क दे वो उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, टीम बनाएंगे और काम हो जाएगा। तो आप सब ने क्या करना है, इनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए अपने आप को पॉलीमैथ बनाना है। कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना कि मैं तो यही कर सकता हूँ सिर्फ, और नहीं। What makes you give up? वो कल देखेंगे, लेकिन ये बातें आज यहाँ खत्म हो जाएंगी। ये फायर जैसे खत्म हो रही है, एक घंटे बाद ये आग जलेगी, अब बैठ गई, सुबह तक ये राख बन जाएगा। आज ये जो बातें हैं, अगर इनको नोट करके जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये आपकी जिंदगी में राख बन जाएंगी, राख जिनकी कालक के अलावा कोई फायदा नहीं होगा, जिनका कोयला भी नहीं बना सकोगे। जो बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे हैं, जो समय सिर्फ बातें हैं, बस चलो सो जाते हैं, बस थक गए, टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बट मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ से एक बच्चा एक बच्ची जरूर निकलेंगे, जो एक सिर्फ एक की एक्सपेक्टेशन है, सारे निकल आए, इनसे ज्यादा, जिनकी जिंदगी बदलेगी और जो ये वैल्यूज इंप्लीमेंट करेंगे, जो अगले तीन दिन आपको और सिखानी है, जो अपनी कम्युनिटीज में जाकर वापस काम करेंगे, जो अपनी बहनों का सहारा बनेंगे अपनी कम्युनिटी में, जो अपने बाकी भाइयों का अपने इलाके में सहारा बनेंगे, जो उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हैंड होल्डिंग पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे। विद दैट नोट, लेट्स डू अ क्लैपिंग एक्सरसाइज अगेन फॉर योरसेल्फ। और देखते हैं, अभी नहीं, जब मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जिन्होंने चाय पीनी है वो बैठे रहे, जो थक गए हैं वो अंदर चले जाए, बस चाय आ रही है, चाय पी के चले जाए, जिन्होंने अंदर जाना है अंदर जा सकते हैं इसके बाद। तो लेट्स सी अपना रिकॉर्ड खुद कौन तोड़ता है बगैर काउंटिंग के। व्हेन आई से 1 2 3 यू विल स्टार्ट, और 10 सेकंड क्लैपिंग करने के बाद आपकी आज के लिए छुट्टी है। 1 2 3 थैंक यू खुरम साहब, इंशाल्लाह कल आपसे इंटरेक्शन रहेगा।